यस बेटे, आज अपना विषय है दफ्तरी पत्र। दफ्तरी मीन्स ऑफिशियल लेटर, जेडे किसी विभाग नूं हुंदे हन, किसी विभाग नूं, स्कूल दे प्रिंसीपल नूं। दफ्तरी पत्र दो तरह दे हुंदे ने, नोट कर लो, सरकारी गैर सरकारी, सरकारी गैर सरकारी। इस तरह करके लिखो, सरकारी गैर सरकारी। पहले एक पेज ते इस तरह लिख लो, फॉर्मेट लिखन लग्या। सरकारी पत्र दे विच, सरकारी पत्र दे विच किसे विभाग नू, विभाग मीन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल पुलिस विभाग है, टेलीफोन विभाग है, सेहत विभाग है, सिक्ख्या विभाग है, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट ने। इस तो इलावा स्कूल दे प्रिंसीपल नू, बैंक मैनेजर नू, ठीक है, इनू की कहंदे ने सरकारी। जेड़े किसे विभाग नू होण, किसे संस्था नाल रिलेटेड होण, जेड़ी जेड़ी कोई रिप्यूटेड संस्था है। मैं दोबारा रिपीट कर दी हां बेटे, अज अपना टॉपिक है दफ्तरी पत्र। दफ्तरी पत्र दो तरह दे हुंदे ने, सरकारी गैर सरकारी। सरकारी पत्र दे विच किसे स्कूल दे प्रिंसीपल नू पत्र, किसे बैंक मैनेजर नू, किसे विभाग दे मुखी नू, किसे भी विभाग दे मुखी नू कोई शिकायत, कोई बेनती करनी होवे तां आपां उहनूं सरकारी पत्र कहने आ। गैर सरकारी, गैर सरकारी नोट करो किहड़े हुंदे ने, ओह वी दफ्तरी पत्र च ही आने। अखबार दे संपादक नूं, अखबार दे संपादक, किसे कंपनी दे मैनेजर नूं, कंपनी नूं, जिवें व्यापारक पत्र आ जांदे बटे, पुस्तक विक्रेता नूं, टैलीविजन दी किसे कंपनी नूं, कार दी किसे कंपनी नूं लिखना, तुसी कोटेशन मंगनी आ कि तुसी कार खरीदनी आ, उहदे लई किहड़े किहड़े मॉडल चल रहे ने, किन्नी किन्नी कीमत है, ठीक है, कोई तुहाडी चीज़ खराबी आ गई है, फ्रिज खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਚੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ, ਪਰ PT3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਤਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਬੇਟੇ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਵਿਭਾਗ ਮੀਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ।
अज अपन निजी पत्र नहीं करांगे। निजी पत्र पहले समझ लो की हुंदे ने। ऑलरेडी तुसी पीटी वन च किते है किसी रिश्तेदार नू अपने भरा नू अपनी छोटी भैन नू छोटे भरा नू कोई नसीहत देनी है कोई मोटिवेट करना है प्रेरणा देनी है प्रेरणा देनी है पिता जी तो पैसे मंगवाने हैं पिता जी तो कोई सलाह लेनी है ठीक है माता जी की खबरसार लेनी है और बारे पत्र मीन निजी पत्र का मतलब हुंदा है फॉर्मल लैटर जेडे कि अपने रिश्तेदारा नू अपने फैमिली मैंबर्स ठीक है वो ऑलरेडी तुसी किते हुए है। हुन आपां गल करिए दफ्तरी पत्र दे फॉर्मेट दी। फॉर्मेट लिखो लिखो बेटे पुलिस चौंकी वेच अपने इलाके दी पुलिस चौंकी वेच पहला पत्र दा नाम लिखो फिर ओदे अकॉर्डिंग करांगे। एक पत्र पुलिस चौंकी वेच पहले टाइटल लिखो स्कूटर जां एक्टिवा चोरी होण दी हालत वेच स्कूटर जां एक्टिवा एक्टिवा जां स्कूटर चोरी होण दी हालत वेच किन्नू लिखना बेटे चोरी होने ते पुलिस चौंकी विच पत्र हरेक इलाके दी अपनी पुलिस चौंकी है। एक क्वेश्चन है एदा पहले फॉर्मेट लिखो एक पेज से और सारे ही दफ्तरी पत्र दे लई एक फॉर्मेट सेम रहना और नोट करो प्रीख्या भवन राइट साइड ते ये ऑलरेडी तुसी निजी पत्र च भी किता होया फॉर्मेट ये निजी पत्र दा भी सेम रहना प्रीख्या भवन केंद्र शहर नहीं यही आने बेटे नेक्स्ट मिटी कोई लाइन लीव नहीं करनी है उस तो बाद आना है लेफ्ट साइड ते ये दफ्तरी पत्र है। लिसन जो जो निजी पत्र दा फॉर्मेट हुंदा बेटे ओही फॉर्मेट वाला राइट साइड वाला जेड़ा फॉर्मेट है वो दफ्तरी पत्र च भी आना ठीक है भावे वह सरकारी होए भावे वह गैर सरकारी होए। हुण आपां लेफ्ट साइड ते आईए ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ नेक्स्ट डॉट पाके चौकी नंबर कोई नंबर नहीं देना शहर कोमा सेवा विखे तो बाद कोई कोमा नहीं आना थानेदार साहिब या एस एच ओ साहिब तो बाद कोमा एक वर्ड लिखना इन्हों दोनों चो जड़ा मर्जी लिख लोगे ठीक हो जाएगा। अगे चौंकी नंबर नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट है शहर
शहर। अगे चलिए बेटे, इस तो नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट साइड ते ही विषय, विषय नो बेटे, लाइन कितने नहीं छोड़नी तुसी, विषय हाँ जी, शहर दे नीचे नेक्स्ट लाइन कोई लाइन लीव नहीं करनी, विषय स्कूटर जा एक्टिवा लिखो, एक चीज लिखनी है स्कूटर चोरी होन संबंधी, होन संबंधी जा बारे, स्कूटर चोरी होन बारे जा होन संबंधी डंडी, इत्थे केड़ा विश्राम चिन्ह लगना डंडी, ठीक है। अगे श्री मान जी, हुण अपना कंटेंट शुरू होएगा, जिस विषय नूं लैके तुसी पत्र लिखना है, हुण कंटेंट च दसो की लिख सकदे हो, यस बटे, श्री मान जी तो बाद पम्मा सनीमर बेनती है के किते बेटे कोई लाइन नहीं छोड़नी, हुण तुसी कंटेंट दे विच कोई भी रीजन दस सकते हो, पहले सिचुएशन की बनी, फिर तुसी सजेशन की दोगे। सिचुएशन ए बनी, तुसी किते बैंक विच पैसे कढ़वाण लई गए हो, किते सब्जी मंडी विच सब्जी खरीदण लई गए हो, किते कोई मार्केट विच कोई राशन लैण गए हो, तुसी किते साइड ते एक पासे अपना एक्टिवा लगा दिता है, लॉक किता, ताला लगाया, कोई भी रीजन हो सकता, बैंक विच गए हो, पोस्ट ऑफिस गए हो, किसी विभाग विच गए हो, तो बाहर तुसी दूर किते अपना एक्टिवा खड़ा कर दिता है, किते सब्जी मंडी भी गए हो, कोई सब्जी खरीदन, मार्केट च गए हो, उत्थे पार्किंग की व्यवस्था ना होने कारण, पहले की लिखोगे पार्किंग की व्यवस्था ना होने कारण मैं एक पासे खड़े कर दिता, उन्हें चंगी तरह ताला ला दिता, मैनू बैंक विच जां सब्जी मंडी विच अद्धा घंटा लग गया, भीड़ होने करके बैंक विच पैसे जमा करवाउण गया, कढ़वाउण गया, उत्थे मैनू अद्धा घंटा लग गया, सब्जी खरीदिया, चीजा खरीदिया, समान खरीदिया, अद्धा घंटा लग गया, जदों मैं अद्धे घंटे बाद वापस आया, अपना एक्टिवा जा स्कूटर ना देख के हैरान रह गया, आस पास दुकाना वाले तो पुछया, जड़े भी दुकाना वाले सन, कोई रेहड़िया वाले खड़े ने, उन्हें तो पुछया, कोई तसली बख्श उत्तर ना मिलिया, मैं समझ गया कि अजकल स्कूटर चोरी दिया, कार चोरी दिया वारदातां बहुत वध गईयां ने, लुट्टां खोहां शरेआम हो रही, के जरूर कोई स्कूटर चोर ही इनू लैके गया, कृपा करके हुण तुसी पुलिस चौंकी विच शिकायत कर रहे हो, कृपा करके मेरा स्कूटर लभाउण विच मेरी मदद कीती जावे, नाल ही की दसना पहला ए लिखण तो पहला दसो कि मेरा स्कूटर इसे साल दा नवा मॉडल है, उसका रंग ए है, ओदे बारे ओदे फीचर्स दसने हैं, उसका नंबर प्लेट ते कोई अपनी आइडेंटिटी भी दस सकते हो, अपनी खास पहचान दस सकते हो, स्कूटर दी, एक्टिवा दी, ओसी जड़ा बीमा है वो होया होया, ओदी आरती, ओदे बीमे दे कागज पत्तर सारे एक्टिवा विच ने, इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तो ओदा बीमा होया होया, कृपा करके मेरा स्कूटर लभाउण विच
मेरी मदद कीती जावे। अगे की लिखना, धन्यवाद सेंटर, सेंटर च धन्यवाद। किते लाइन नहीं छोड़नी बच्चे, लाइन किते नहीं छोड़नी, धन्यवाद। जे धन्यवाद सहित लिखना है फिर कोमा आना सेंटर विच। हुन राइट साइड ते लिखो, राइट साइड आप जी दा, आप जी दा शुभ चिंतक। विदाउट कोई लाइन छोड़े राइट साइड आप जी दा शुभ चिंतक। हां जी बच्चे डॉट पाके नाम, डॉट पाके पता, आप जी दा शुभ चिंतक, डॉट पाके नाम, डॉट पाके पता। हो गया बच्चे क्लियर सबनों? हुण आपां गल करिए एक गैर सरकारी पत्र अखबार दे संपादक नूं इहदे नाल ही मिलदा जुलदा। अखबार दे संपादक नूं पंजाबी अखबार दे संपादक नूं, पर्टिकुलर पंजाबी अखबार दे संपादक नूं वध रहियां लुट्टां खोहां दियां वारदातां बारे पत्र लिखो। पंजाबी अखबार दे संपादक नूं पर्टिकुलर जे पंजाबी आया ना तां पंजाबी अखबार दा नाम मेंशन करना है। हुण इहदा फॉर्मेट देखो, केड़े केड़े टॉपिक हो सकदे है अखबार दे संपादक लई बेटे? वध रहियां लुट्टां खोहां दियां वारदातां, वध रही महंगाई बारे, वधदी होई आवाजाई दी समस्या जो कि महानगरां दे विच हो रही है, वध रहे प्रदूषण बारे, बच्चियां दे चुके जाण दियां वारदातां बारे, चीजां विच पाई जांदी मिलावट बारे। ठीक है बेटे, हुण आपां गल करिए बच्चे नीचे वाला फॉर्मेट सेम रहना। प्रीख्या भवन सेम बेटे, उपरला फॉर्मेट सेम, मिति ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਾ? ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟੇ? ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। प्रसिद्ध अखबार का नाम लिखांगे जे पर्टिकुलर पंजाबी वर्ड दिता है। अच्छा लिसन, जे पंजाबी नाल अखबार नहीं दिता तां डॉट पाके अखबार लिखोगे, फिर डॉट पाके शहर। ठीक है, पर आपां हुण पर्टिकुलर की लिखा है? पंजाबी अखबार, फिर रोजाना अजीत, फिर अजीत अखबार कित्थों निकलदी है? जलंधर, जलंधर शहर। नीचे वाला फॉर्मेट तुहानू लिखाण दी लोड नहीं है, सेम रहना। जलंधर शहर बेटे, चेंज कित्थे आनी? सिर्फ हेड दा नाम, डिपार्टमेंट दा नाम, बाकी फॉर्मेट सेम रहना। जे ध्यान नाल करोगे, सिर्फ चेंज कित्थे है? हेड दा नाम, डिपार्टमेंट दा नाम। और हेड दा नाम ते डिपार्टमेंट दा नाम ऑलरेडी क्वेश्चन च हुंदा है। आ देखो,
हां जी बेटे, यस यस बेटे, लिसन बेटे, राइट साइड वाला फॉर्मेट सेम, नीचे वाला फॉर्मेट सेम, सिर्फ चेंज की होना हेड का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, वो भी ऑलरेडी क्वेश्चन च दिता होंदा। हुण लिखिए विशा, बद रही लुट्टा खोहां दिया वारदातां बारे। लुट्टा खोहां दिया वारदातां बारे देन बेटे श्री मान जी सेम सनीमर बेनती है के मैं आप जी दे अखबार वेच एवी लाइन दे सकते हो, मैं आप जी दे अखबार दा एक चंगा पाठक हाँ, वे कि मैं पढ़दा, मैं आप जी दे अखबार राही केड़ी समस्या बारे दसना चाहुंदा बेटे, वध रही लुट्टां खोहांदियां वारदातां बारे। अजकल अजकल लुट्टां खोहांदियां वारदातां बहुत वध गईयां, एक कंटेंट है बेटे, तुसी अपनी अपनी लैंग्वेज लिखोगे, मैं तुहानू फॉर्मेट पूरा दे दिता बेटे, हुण विश कंटेंट च की आना कि लुट्टां खोहांदियां वारदातां वध रहीयां, हर कोई पैसे दी दौड़ विच शामिल है, जायज नजायज तरीके नाल हर कोई पैसे कमाना चाहुंदा है। महंगाई वधन दे कारण, महंगाई वधन दे कारण लोकां दे अंदरों सदाचारक नैतिक कदरां कीमतां किते उड गईयां ने, शरेआम लोकां नूं डरा धमका के राह जांदियां औरतां दियां चेनां पर्स लुट ले जांदे हन, दुकानां तों पैसे लुट ले जांदे ने, और इलाके दी पुलिस दी इस पासे कोई खास भूमिका नहीं है। इलाके दी पुलिस है जड़ी लगदा सुत्ती पई है, वो भी इन्ना लुट्टां खोहां दियां वारदातां नूं जड़े कर रहे ने उन्हां नाल मिली हुई है, उन्हां तों प्रति महीना लैंदी है ते इन्हां दे जुर्म नूं अखों अले कर रही है जड़ी पुलिस है, वो भी इन्हां नाल पुलिस विभाग भी लगदा इन्हां नाल मिलिया होया है। लुट्टा खोहां करन वाले लोकां नूं नथ पाउणी जरूरी है, नथ पाउणी काबू करना जरूरी है, तां जो लोकां दा जीवन सुरक्षित हो सके। लास्ट लाइन की लिखोगे बच्चे, जे फर्स्ट लाइन ये लिखोगे सनीमर बेनती है कि मेरे विचार, मैं अखबार विच इस समस्या बारे विचार देना चाहुंदा, ते लास्ट लाइन की लिखोगे कृपा करके मेरे विचार अखबार विच छापे जान तां जो लोकां दा जीवन सुरक्षित हो सके, तां जो लोकां दा जीवन सुरक्षित हो सके। हमेशा पहला सिचुएशन दसनी है फिर सुजेशन देने हैं। हो गया बेटे क्लियर? मेरे विचार अखबार विच छापे जान तां जो लोकां दा जीवन सुरक्षित हो सके, तां जो लोग चैन दी जिंदगी जी सकन। ठीक है बेटे, क्योंकि घरां विच भी आके बजुर्गां नूं डरा धमका के भी बहुत कुछ लुट लिया जांदा है, बजुर्गां दा जीवन भी घर विच सुरक्षित नहीं है, इन्नियां लुट्टां खोहां दियां वारदातां वध गईयां ने कि घर विच जिहड़े बजुर्ग बैठे ने उहनां नूं भी डरा धमका के मार के लुट के लै जांदे ने, तुरे जांदियां औरतां तों पर्स चेनां वालियां आदि लुट लईयां जांदियां हन, जिहड़े इलाके दे दुकानदार ने उहनां नूं भी डरा धमका के उहनां तों पैसे लुट ले जांदे ने। इहदे लई जिम्मेवार कौन है? पुलिस विभाग।
ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਡੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।